Mr. Narendra Modi paid tribute to the personnel of the CRPF who had lost their lives in the Pulwama attack on this day 4 years ago. PM Modi tweeted, taking to Twitter, External Affairs Minister S. Jaishankar wrote, Congress leader Rahul Gandhi, paying homage, wrote that India will always remember their sacrifice. The official account of the Congress party took to Twitter asking the ruling party slew of questions. In one of the deadliest attacks on Indian security forces, 40 CRPF personnel were killed when an explosive-laden vehicle rammed the bus ferrying them from Jammu to Srinagar on February 14, 2019. पुलवामा का जो वर्षगांठ है पुलवामा वाली घटना की, तो आज के दिन हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और पुलवामा की घटना के बाद कश्मीर में जो हालात हैं उसमें बहुत सुधार हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें सिनर्जी बहुत अच्छी है और लगातार ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह थे वो तो अब ख़त्म ही हो गया है। रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं इस बार वैली में। जो टेरर इकोसिस्टम है वो समाप्त हो गया है और जो हड़तालें, बंद कॉल, शटडाउन्स होते थे वो बंद हो गए हैं। तो कुल मिला के स्थिति में बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं दे आर डिटरमिंड एंड विद अ फर्म रिजॉल्व वी आर प्रोसीडिंग टू वाइप आउट टेररिज्म इन द वैली। मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है और हमारी जो CRPF में लगातार मॉडर्नाइजेशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो अगर हम NH की बात करें तो अब 24/7 हमारा CCTV सर्वेलेंस है NH पे, हमारे 12 सिक्योरिटी पोस्ट्स हैं पूरे NH में और वो राउंड द क्लॉक जो है सर्वेलेंस करते हैं और उसकी फीड जो है हम लोग मॉनिटर करते हैं। दूसरा जो हमारे ड्रोन्स हैं, जो UAVs हैं, वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं NH की सुरक्षा के लिए। जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स हों या नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर्स हों, जो हमारे डॉग स्क्वाड्स हैं, K9s हैं, वो भी लगातार NH की सर्वेलेंस हम लोग करते हैं। तो कुल मिला के जो बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स की अगर बात करें, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने बहुत सारे इंडक्ट किए हैं वैली में, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स आई हैं, जो वेपनरी है उसके मॉडर्नाइज करने की लगातार प्रयास जारी हैं। तो कुल मिला के जो मॉडर्नाइजेशन के प्रयास हैं वो निरंतर जारी हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी ग्राउंड पे लगातार नजर आ रहा है। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।